लोग ऐसा कहते हैं कि हमने पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया फैट लॉस करने के लिए, उनका दिमाग खराब हो गया है, इन द लिटरल सेंस, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑफेंडेड मत होइए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है ब्रेन के लिए। जिस रेट पे ब्रेन को एनर्जी की जरूरत है उस रेट पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही उसे एनर्जी पहुंचा सकता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह छोड़ देंगे तो आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा और फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका मेमोरी लूज होने लगेगा, आप बिजी फील करेंगे, लो ऑन एनर्जी, डिसीजन मेकिंग भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अपनी डेली रूटीन और रोजमर्रा के काम ही ठीक से नहीं होंगे क्योंकि ब्रेन एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रहा। इसीलिए पहले डिस्टिंग्विश कीजिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपके लिए हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी। जैसे होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, ये सारे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब अगर हम बात करें अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी सिंपल कार्ब्स की, तो सिंपल कार्ब्स में आते हैं आपका व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, बर्गर्स, पिज्जास, पेस्ट्रीज, केक्स एंड ऑल दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी जंक फूड मार्केट में मिलता है, वो सब होता है अनहेल्दी कार्ब्स। तो अगर आप वो वाला कार्ब छोड़ रहे हैं तो देन दैट इज परफेक्ट, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। कीप फॉलोइंग द जूही कपूर।